नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीक नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 200 प्रश्न का सीरीज चल रहा है, तो आज जो हम पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में जाकर आसानी से आप बैठ जाएंगे और सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको इसमें पूछ दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और आज से यानी क्लास महामैराथन क्लास जो चलने वाला है यानी 2021 की एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज 7 बजे से हिस्ट्री का टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तो उस चैनल में आप लोग चले जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब हम लाइव आएंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर हो जाएगा, यानी DMK यानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। DMK जो है विरोधी आंदोलन दल था। अब बढ़ते हैं, पर दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आई हुई है, क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा दूसरा नंबर का, तो डी नंबर यानी उत्तराखंड का जो है भाषा के आधार पर जो है राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं लगभग 120 क्वेश्चन को कवर करेंगे, सो इसीलिए जो है आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में आपको 100% जो है 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा। तो चलिए तीन नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों तीसरा नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा तीन नंबर का, तो सी नंबर यानी 1992 राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देते जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों चार नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी 1987 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन की ओर, तो पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष मैं पश्चिमी राष्ट्रों में नाटो की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पाँच नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर राइट आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1949, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इस तरीके के यानी जो महामैराथन क्लास यानी जो सीरीज चल रहा है, तो आप लोग जो बता दे जाइएगा कमेंट में कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए, तो ये ज़रूर बताएंगे आप सभी को। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यानी 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी डी नंबर यानी मार्शल टीटो राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, तो दोस्तों 7 नंबर को देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर यानी 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को पूरे ज़रूर देखना, इसमें से आपको लगभग 120 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें से लगभग आप लोगों को एग्ज़ाम में यानी पूछ दिया जाएगा लगभग 120 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन जो है 100% जो आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, यानी अक्टूबर 1990 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लाइव क्लास आने के लिए आज 7 बजे, ठीक है, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 तारीख है, तो आज यानी 13 तारीख से 2021 की पूरी तैयारी जो है हम लोग करने वाले हैं लाइव में। तो अगर आप लाइव क्लास करना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप समय पर लाइव आ पाएंगे। तो टाइम कितना बजे है, 7 बजे रात जो है लाइव आने वाले हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न, तालवानी कथरपंटी तत्व कहाँ का उदय कहाँ हुआ। तो दोस्तों तत्व का उदय कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का, तो थोड़ा सा मिस्टेक में बोल दिया था, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, यानी पाकिस्तान में जो उदय हुआ था क्या, यानी तालिवानी कट्टरपंटी का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अब 10 नंबर को देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर यानी जापान को कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आई हुई है, फरक्का समझौता किन देशों के बीच
संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का, तो 11 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी भारत बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी 1957 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है तो फ्रेंड, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर यानी ट्रिग्वी लाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी जो है प्रश्न को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसको आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीति आयोग है, नीति आयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय नीति आयोग है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो 15 नंबर में कह रहा है कि गुट निरपेक्ष की नींव रखने में विकास भारतीय किस भारतीय नेता की प्रमुख भूमिका थी। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बी नंबर सी नंबर राइट आंसर यानी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न आ चुकी है। क्या कह रहा है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो सी नंबर राइट आंसर यानी 1959 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसने कहा था इंदिरा गांधी इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा गांधी, किसने कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का, तो सी नंबर यानी किसने कहा था, यानी देवकांत बड़ुआ ने कहा था, ठीक है, राइट आंसर 17 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं यानी आज से, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है जब भी यानी 7 बजे हम जिस दिन भी लाइव आ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप भी जुड़ पाओगे। अब यहां पर 18 नंबर को देख लेते हैं, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी नर्मदा नदी पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके 19 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का, तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डी नंबर यानी 2005, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी है 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर यानी मुजफ्फराबाद जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे 21 नंबर प्रश्न आ चुके हैं स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो क्या है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी यूरो राइट आंसर हो जाएगा, यूरो, ठीक है, सी नंबर। अब स्क्रीन पर आ चुकी है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निशेष अधिकार वोटों यानी वोट प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो 22 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी 25, ठीक है, 25 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का, तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी इंडोनेशिया जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस बार एग्जाम देना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश नाम का सदस्य नहीं है, तो यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य कौन नहीं है, तो इसका 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी डी नंबर यानी मिस्र जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके 25 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है कि LTTE एक आतंकवादी संगठन है किस देश का। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर यानी श्रीलंका का जो है LTTE जो है ये क्या है यानी रट्टे जो है आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो कहाँ किया था। इसका राइट आंसर क्या है 26 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर यानी पोखरण में किया था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किसने सोवियत संघ में राष्ट्रोइका की शुरुआत की थी। तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी बी नंबर राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, मिखाइल
गुरुवाचे राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी चिपको आंदोलन से। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन भारतीय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 29 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिराज गोपालाचारी। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न आ चुकी है, क्या कह रहा है कि किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, यानी भीमराव अंबेडकर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न आ चुकी है, क्या कह रहा है, अकाली दल एक राजनीतिक दल है किस राज्य का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी पंजाब का है। ठीक है, अब बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1995 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या, 33 नंबर का, तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, यानी श्याम प्रसाद मुखर्जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरे देखना, अगर अभी नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी 1953। तो इस वीडियो को पूरे देखना, आप जो एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन टच करेंगे। तो आप जो है क्या करेंगे, बाद में एग्ज़ाम देने के बाद में अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे कि ये क्वेश्चन जो है पूछा था और मैंने पढ़ा नहीं, सो जो है बना नहीं पाया। तो आप सो इसीलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखना। अब 37 नंबर को देख लेते हैं, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 37 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी 1905 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, सरदार पटेल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 40 नंबर का, यानी डी नंबर हो जाएगा, 1952 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत वर्ष, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 1962 में किया था। अब दूसरा नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, यानी 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 1971 को हुआ था। अब यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 43 नंबर का राइट आंसर, तो डी नंबर, यानी जयप्रकाश नारायण ने। अब 44 नंबर को देख लेते हैं, तो 44 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है, क्या कह रहा है, कह रहे बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी राबड़ी देवी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 45 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो 45 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अरविंद केजरीवाल जो है ये पर्यावरणविद नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी 10 दिसंबर को। तो दोस्तों लाइव क्लास अगर अभी तक जो है आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, यानी आज से, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को ज्वाइन करिए और लाइव हर दिन आइए। ठीक है, उसमें जो है मॉक टेस्ट भी होता है और आपको जो है नंबर भी दिया जाता है कि कितना नंबर आपको जो है आया एग्ज़ाम में। तो 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों,
क्या हो जाएगा, यानी 47 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी मानव अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है 48 नंबर प्रश्न। तो 48 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 नंबर का ए नंबर सी नंबर राइट आंसर यानी 1962 में हुआ था। अब बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों की संविधानिक दर्जा दिया गया, तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी सी नंबर राइट आंसर 74 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 50 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है 50 नंबर, कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर यानी 1990 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी 1977 को हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी राइट आंसर यानी डॉक्टर राधा कृष्णन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगर मुस्लिम बोलेगा तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड 53 नंबर का यानी डी नंबर हो जाएगा, 29 राज्य थे लेकिन अभी जो है 28 राज्य है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, तो 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी 1975 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो इसका 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 55 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर यानी सुंदरलाल बहुगुणा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 56 नंबर का, तो ए नंबर राइट आंसर यानी वीपी सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 57 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर यानी 1953। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 58 नंबर। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहे हैं 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे, तो 58 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर राइट आंसर जॉर्ज फर्नांडिस राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न, सॉरी 59 नंबर। तो क्वेश्चन पर यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर का, तो सी नंबर यानी 18 वर्ष। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 60, क्या करेगा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो 60 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर यानी बी नंबर राइट आंसर 1901। दोस्तों ये सेट टू है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, अगर आप लोग भी जानते हैं तो मेरे साथ जो है जवाब देते जाइएगा, डी नंबर चंद्रशेखर आज़ाद। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न, इंग्लिश वर्जन जिसको आता है पढ़कर जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, राइट आंसर सी नंबर बहुदलीय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में, अनुच्छेद 370 का संबंध किस पर्दे से था, ठीक है दोस्तों अभी नहीं है पहले था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यानी जम्मू कश्मीर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी भारतीय जनसंघ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आ चुके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए, तो 5 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ने राजा हरि सिंह। अब बढ़ते हैं दोस्तों यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 6 नंबर, क्या कह रहा है कि 1956 में भारतीय राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था, तो 6 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी भाषा को जो है आधार बनाया गया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन
कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी नंबर यानी क्या हो जाएगा 1953 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, तो आ चुके 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पर क्या कह रहा है कि गोवा भारतीय संघ का किस राज्य वर्ष हुआ? तो गोवा जो किस राज्य जो भारत संघ का राज्य बना, तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का डी नंबर हो जाएगा फ्रेंड यानी 1987। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, तो यहाँ पर आ चुके 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो इंग्लिश वर्जन यहाँ पर नीचे रह जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों 11 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर, ठीक है दोस्तों, चलिए 12 नंबर, तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन आ चुके हैं। 12 नंबर क्या कहता है कि व्हाट वाज द प्रोवाइड ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर 12 नंबर का डी नंबर यानी 1961 से 66 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है कि खाद्य संकट से सबसे अधिक किस राज्य प्रभावित था? तो दोस्तों यहाँ पर विच स्टेट इज द मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम फूड प्रॉब्लम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 नंबर का राइट आंसर, सॉरी 13 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी बिहार, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है दोस्तों, हु प्रोपोज्ड द फाइव प्रिंसिपल ऑफ परचेस सीट, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 15 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी पंचशील हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ चुके 16 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हु सेड वी कैन आई इमेज द मॉडर्न वर्ल्ड विदाउट यूनियन नेशन, यानी किसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर 16 नंबर का डी हो जाएगा यानी इंद्र कुमार गुजराल। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हु सेड जय जवान जय किसान, नहीं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर यानी लाल बहादुर शास्त्री सी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? तो 18 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर यानी 11 जनवरी 1966 को। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर, तो क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि विच हाई कोर्ट वाज डिक्लेयर इलीजेट इलेक्शन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 19 नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हु वाज द लीडरशिप ऑफ बिहार मूवमेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर यानी जयप्रकाश नारायण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो 21 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड यानी बी नंबर राइट आंसर 5 जुलाई 1975 में की थी। अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, तो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है, तो चलिए, तो 22 नंबर का जो इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी बिहार, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, तो इंग्लिश वर्जन नीचे में रह जाएगा ऑप्शन सब, तो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन किस
प्रदेश के किसानों का संगठन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, गोवा भारत पर किस विदेशी राज्य का शासन था, गोवा पर किस विदेशी शासन का राज्य था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर का, तो सी नंबर यानी पुर्तगाल का, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर है, क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी आंध्र प्रदेश से। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि कौन सा विषय अगला होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य संबंधित है, किस राज्य से। तो 26 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। अब बढ़ देंगे यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहें, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, तो कौन कर रहा था। इसका राइट आंसर 27 नंबर का ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड, यानी अमेरिका कर रहा था। अब यहाँ पर देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। तो इसका राइट आंसर 28 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी मिखाइल गोरचावे राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न, तो आ चुके हैं यहाँ पर 29 नंबर क्या कह रहा है, कि MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी। इसका राइट आंसर 29 नंबर का ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड, यानी अमेरिका में हुई थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्या कह रही, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी 30 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, क्या कह रहा है, प्रथम खाड़ी युद्ध से, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। तो राइट आंसर 31 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी अमेरिका। अब बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन दक्षेश का सदस्य है, नहीं है। इसका राइट आंसर 32 नंबर का तो सी नंबर हो जाएगा फ्रेंड, यानी चीन, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न, यानी 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 10, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो 34 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 15, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कि एम्यूनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का ए नंबर, यानी मानव अधिकारी की रक्षा से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यानी 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। तो 35 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, सॉरी 36 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी मालदीव। तो दोस्तों अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों PDF के लिए जो है इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं PDF खरीदने के लिए, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF मिलेगा आप सभी को, 6985584, ठीक है, इस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ चुकी है क्या कहें, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 37 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी ब्राज़ील में हुई थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कि हु इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम ग्लोबलिज्म ग्लोबलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, वैश्वीकरण से किस सबसे अधिक किस देश को प्रभावित हुआ था, किस चीज़ को प्रभावित हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 39 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, निर्धनता हुई थी, ठीक है, वैश्वीकरण से, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है, और इस तरह के हम लोग 40-40 जो सेट पढ़ने वाले, 10 सेट, तो 10 सेट में आपको कितना, तो 4.400, यानी 400 अगर क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लेंगे, तो ऐसा कोई भी जो ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा आप सभी का कि आप नहीं पढ़े, या फिर कोई सा भी क्वेश्चन जो है आप नहीं बना पाओ एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस सीरीज में आप लोग जुड़े रहना। ये कितना है, पार्ट वन हम लोग बना चुके हैं, पार्ट टू ये देखे हैं, अब पार्ट थ्री के लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहता है,
कि भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समूहित करता है। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, अन्यथा मैं भी आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो राइट आंसर यानी आर्थिक इकोनॉमिक हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक तो करना ही है, अगर हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग हिंदी और हिस्ट्री और जो है पॉलिटिकल साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही, तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पर।